प्रेस क्लब फतेहपुर के सौजन्य से रविवार को रेस्ट हाउस फतेहपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रीता गुलेरिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रक्तदान शिविर में जहां क्षेत्र के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई, तो वहीं सरकारी रिटायर्ड अधिकारी व कर्मचारी भी इस परोपकार के कार्य से पीछे नहीं रहे। इस मौके पर सहायक अभियंता सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग उपमंडल फतेहपुर गुरभक्ष धीमान, रिटायर्ड नायब तहसीलदार फतेहपुर प्रेम शर्मन, जेई लोक निर्माण नोबल कम्युनिटी राजपूत सभा फतेहपुर SFI सहित कई लोग उपस्थित रहे। शिविर में टांडा मेडिकल कॉलेज की टीम ने 81 यूनिट खून इकट्ठा किया। तो आपने पहले भी इससे पहले भी रक्तदान किया है? पहली बार रक्तदान कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो आप मतलब आने वाले अपने यहाँ पे युवा साथी भी कुछ आए हुए, तो और बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहिए कि रक्तदान के लिए रक्तदान करना चाहिए, सेवा का मौका और मेडल इसका फायदा लेना चाहिए? करते रहते हैं डोनेट जब टाइम लगे, 6 मंथ से ईयर में जब भी कहीं मौका मिले तो जरूर दान करते हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम मैंने 99 में किया था, तो उसके बाद कंटिन्यू 6 महीने 8 महीने साल के अंदर अंदर हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि ये जो रक्त है इसके दान करने से किसी की ज़िंदगी बच रही है, किसी का भला हो रहा है, तो हमें दान करना चाहिए। और इसका हमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक मैं खुद फिजिकल टीचर हूँ और हमारी एक्सरसाइज परमानेंट हम करते हैं, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। आज मैंने ब्लड रेडी किया, सुबह मैं फिर एक्सरसाइज पे जाऊँगा, कोई इसमें कोई नुकसान नहीं है इसका, कुछ नहीं किसी के लिए हेल्थ का है। जिन्होंने इतना अच्छा ये नेक कार्य शुरू किया सर, तो मेरी तरफ से पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये आपका सफल आयोजन रहा पहला ही, तो आप सब बधाई के पात्र हैं। ब्लड डोनेशन एक बड़ा ही नेक काम है और युवाओं को और सबको इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, ताकि ये किसी के जीवन को बचाने का एक मामला है और एक अच्छा संदेश भाईचारे का भी समाज में फैलता है।